आज हम बनाएंगे हरे धनिये की चटपटी चटनी। इसके लिए हमें चाहिए कुछ कलियां लहसुन की, हरी मिर्च और खूब सारा हरा धनिया। धनिये को अच्छे से धो के साफ करके काट के ले लेंगे। और इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच मूंगफली का दाना और 1 चम्मच ही भुना हुआ चना। दोनों ही चीज़ें भुनी हुई हैं। इस चटनी को आप किसी भी तरह के स्नैक्स के साथ, चाट के साथ, पकोड़े के साथ इंजॉय कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें थोड़ा सा सूखा जीरा, 3-4 चम्मच दही डाल के अब इसको हमें पीस लेना है। और ये हमारी चटपटी सी मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार हो गई है। तो आप भी इस चटनी को बनाइए, इंजॉय कीजिए, ये आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।